हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। प्लस टू क्लास मैथमेटिक्स में 3D टॉपिक के ये सब टॉपिक हैं हमारे पास। लाइन की वेक्टर फॉर्म कौन सी होती है, ओके मतलब किसी भी लाइन को हम लोग 3D में वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है। एक्स एक्सिस, दैट्स वाई एक्सिस, और ये हमारे पास मान लो जेड एक्सिस है, ओके। तो 3D में हमने वेक्टर फॉर्म निकालनी है लाइन की, मतलब लाइन को वेक्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सपोज कि मेरे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन पर, मतलब इस लाइन पर ये पॉइंट है मेरे पास और ये पॉइंट मान लो कि A है, ओके। एक पॉइंट मुझे दे रखा है X1, Y1, Z1। इस लाइन पर एक जर्नल पॉइंट ले लो, जर्नल पॉइंट मान लो मेरे पास R है और ये है X, Y, Z। अब मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। क्या करना है, मेरे पास एक लाइन है जिस पर टू पॉइंट्स है, एक पॉइंट मुझे गिवन है, सेकंड मैंने जर्नल पॉइंट लिया है, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर लेंगे। इस लाइन के पैरेलल क्या करेंगे हम लोग, एक वेक्टर लेंगे। मान लो कि इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है, ये वेक्टर है मेरे पास वेक्टर B, जो कि इस लाइन के पैरेलल है, ओके। तो अब मैंने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये कैसे करेंगे, ये मेरे पास ओरिजिन है 0 0 0, ओके। तो A को O से मिला दो, सिमिलरली आप लोग R को भी O से मिला दो, ठीक है। ये पॉइंट है मेरे पास A, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर A, ओके। सेम R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लो, वेक्टर R, राइट। तो मैंने क्या करना है, जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है AR, ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म फाइंड करनी है। तो ये कैसे होगा, ध्यान दो, ये मेरे पास है वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है उस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यहां पर OA वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, राइट। सेम यहां पर OR हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, राइट। और ये हमारे पास है वेक्टर R, ठीक। इस लाइन के पैरेलल हमारे पास वेक्टर B है, ध्यान दें हमारे पास क्या है, वेक्टर A पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड वेक्टर R पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट R, राइट। तो अब ये वेक्टर मेरे पास AR है, AR वेक्टर के पैरेलल या इस लाइन के पैरेलल मैंने एक वेक्टर लिया है वेक्टर B, ठीक है। यहां पर क्या है, वेक्टर R, वेक्टर AR, ओके। वेक्टर AR पैरेलल है वेक्टर B के, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, जो वेक्टर मेरे पास AR है, राइट, ये वाला वेक्टर वेक्टर B के पैरेलल है। अगर ये वेक्टर B के पैरेलल है तो AR वेक्टर इक्वल होगा लैम्डा इनटू वेक्टर B के, ठीक है। ये हमारी पैरेलल वेक्टर वाली कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो किसी ना किसी स्केलर के लिए आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर वेक्टर AR और वेक्टर B पैरेलल हैं तो वेक्टर AR और वेक्टर B लैम्डा के लिए, ठीक है, इक्वल हैं। तो नेक्स्ट मैंने क्या करना है, जो मेरे पास ट्राइंगल OAR है, ट्राइंगल OAR है, इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ट्राइंगल OAR में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हमने अप्लाई करना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वेक्टर OR, वेक्टर OR इक्वल टू,
ये वाला वेक्टर इन वेक्टर के सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए आर। ओके, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ध्यान से देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई किया है, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए आर दैट्स इक्वल टू वेक्टर ओ आर। ठीक है, वेक्टर ओ आर, वेक्टर ओ आर है हमारे पास वेक्टर आर, तो यहां पर वेक्टर आर राइट कर देंगे। वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए है, ए है हमारे पास स्मॉल ए, और नेक्स्ट वेक्टर ए आर, वेक्टर ए आर किसके इक्वल है, लैम्डा इनटू वेक्टर बी के इक्वल है। दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, वेक्टर आर हमारे पास क्या है, वेक्टर आर है हमारे पास जर्नल पॉइंट, जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, ये हमारे पास है ना आर, इसका ये पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर ए हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर है ए। और ये हमारे पास जो वेक्टर बी है, ये इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है, लाइन ये थी हमारे पास ए आर लगा लो, ऐसे तो ये कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, तो इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वेक्टर बी है। मतलब किसी भी लाइन के लिए, किसी भी लाइन के लिए नेसेसरी क्या है, हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह मान लो कि मेरे पास एक लाइन है वेक्टर r इक्वल टू i कैप माइनस टू j कैप प्लस k कैप, ओके, प्लस लैम्डा इंटू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप, राइट। तो इस लाइन में क्या है, वेक्टर आर मेरे पास जर्नल पॉइंट है। ठीक है, वेक्टर आर है जो, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, जर्नल पॉइंट ए एक्स वाई जेड ऑन द लाइन। और ये जो वेक्टर है मेरे पास, ये उस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर है जो पॉइंट हमें गिवन है, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो पॉइंट मुझे गिवन है। तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा, वन माइनस टू वन, ओके। और ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है ये वाला है। ठीक है, ये वेक्टर बी है, ये है हमारे पास वेक्टर बी, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप। ठीक, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो मेरे पास है टू माइनस वन फोर, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कौन से हैं, टू माइनस वन फोर, राइट। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, जिस तरह मान लो कि मेरे पास वेक्टर आर है, ये सपोज कि आई कैप प्लस लैम्डा इंटू टू जे कैप माइनस के कैप है। ठीक है, तो यहां पर इस लाइन के ऊपर हमें पॉइंट कौन सा गिवन है, पहले ये देखो, ये वाला पॉइंट है, इसमें ओनली आई कैप है, तो पॉइंट मेरे पास बन गया वन जीरो जीरो, मतलब वाई जेड नहीं है, जे कैप के कैप नहीं है, तो जीरो जीरो यहां पर आएगा। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू वन जीरो जीरो एंड पैरेलल टू द वेक्टर, ये वाली लाइन वन जीरो जीरो पॉइंट में से पास हो रही है और इस वैक्टर के पैरल है। ठीक है, इस लाइन के पैरल वैक्टर कौन सा है, टू जे कैप माइनस के कैप, राइट। तो ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन किस तरह से तैयार करनी है। ठीक है, जस्ट एक लाइन लो, उसके ऊपर एक पॉइंट ले लो, ठीक है, एक जर्नल पॉइंट ले लो और उसके पैरेलल एक वेक्टर ले लो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, ए को ओरिजिन से मिलाया, आर को ओरिजिन से मिलाकर आप लोगों ने इस ट्राइंगल पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करना है। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट ये बनेगा हमारे पास, वेक्टर आर जर्नल पॉइंट इक्वल टू वेक्टर ए गिवन पॉइंट प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी हमारे पास क्या है, वो वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन, ओके,
कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन को हम सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन भी बोल देते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बोल देते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में डिफरेंस क्या है? वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन डायरेक्शन दे रखी होती है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप होता है हमारे पास, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? आई कैप जे कैप के कैप नहीं होगा, राइट। वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप होगा, ठीक है, जबकि कार्टेशियन फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में बता नहीं रखा होगा हमें। तो चलिए, ये हमारे पास है वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन, राइट। यहां पर आर हमारे पास जर्नल पॉइंट है, तो इस वेक्टर फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। कैसे करेंगे? ध्यान दो, ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर हमारे पास जर्नल पॉइंट है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके, जर्नल पॉइंट। नेक्स्ट वेक्टर ए गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट अभी हमने लिया था एक्स वन वाई वन जेड वन, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, प्लस में हमारे पास क्या है? लैम्डा इंटू वेक्टर बी, वेक्टर बी इज द वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। तो वेक्टर बी हमारे पास वो वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो वेक्टर बी हम कैसे करेंगे? इसको राइट कर लेंगे हम लोग ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ओके। यानी ए बी सी इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हैं, ए बी सी हमारे पास इस वेक्टर के क्या हैं? डायरेक्शन रेशियो हैं। और ए वाला वेक्टर क्या है? लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है। तो हम कर क्या रहे हैं? वेक्टर फॉर्म को, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन को कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान देना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर हमने ऐड करना है, दोनों वेक्टर्स को हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो चलिए ध्यान दो, एक्स वन आई कैप और यहां पर क्या है? लैम्डा से मल्टीप्लाई है और उसके बाद क्या है? ए आई कैप, इनको अगर ऐड करते हैं तो आई कैप कॉमन आएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा एक्स वन प्लस ए लैम्डा आई कैप। ध्यान देना, ये दोनों वेक्टर ऐड करेंगे तो आई कैप कॉमन रहेगा, सेम जे कैप और जे कैप कॉमन निकालते हैं तो यहां पर क्या आएगा? वाई वन प्लस बी लैम्डा इंटू जे कैप, सेम यहां पर के कैप कॉमन लेते हैं तो जेड वन प्लस सी लैम्डा इंटू में के कैप, ओके। तो अब देखिए, यहां पर हमारे पास सिंगल वेक्टर आ चुका है और ये भी इक्वल में वेक्टर है, इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को आपने कंपेयर करना है। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को कंपेयर करने का मीनिंग है कि आई कैप वाले पार्ट को आई कैप वाले पार्ट से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। इधर जो जे कैप का कंपोनेंट है वो जे कैप के इक्वल आ जाएगा, इधर जो के कैप का कंपोनेंट है वो के कैप के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो एक्स आई कैप है इससे कंपेयर हो जाएगा, तो ऐसा करने से क्या होगा? एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एक्स वन प्लस ए लैम्डा, ठीक है, हाँ जी। वाई जे कैप को इससे कंपेयर करो, इसके इक्वल रखो, तो बन जाएगा वाई इक्वल टू, हाँ जी, वाई वन प्लस बी लैम्डा। नेक्स्ट इस साइड पे है जेड, तो जेड इक्वल टू मेरे पास बनेगा जेड वन प्लस सी, ओके, प्लस का साइन है ये, प्लस सी लैम्डा, ओके। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हमने कंपेयर किए तो ये कंडीशन बन गई। अब इन तीनों इक्वेशन में से हमने क्या करना है? लैम्डा को एक साइड पे करना है। इन तीनों इक्वेशन में क्या होगा? लैम्डा एक साइड पे होगा। इसके लिए क्या करेंगे? ध्यान दो,
प्लस का एक्स वन इधर ले आओ, एक्स माइनस एक्स वन अपोन ए की मल्टीप्लाई है लैम्डा से, तो ये आ जाएगा अपोन में इक्वल टू लैम्डा बन गया। सेम यहां पर लैम्डा की वैल्यू निकालो, वाई माइनस वाई वन बी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, बाय में बी आ गया, इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली यहां पर जेड माइनस जेड वन अपोन में क्या होगा, सी इक्वल टू लैम्डा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, इस केस में ये लैम्डा की वैल्यू है, इस केस में ये लैम्डा की वैल्यू है, और इस केस में ये लैम्डा की वैल्यू है, क्योंकि तीनों लैम्डा के इक्वल है, नेचुरली ही बात है तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये मेरे पास बन गया x माइनस एक्स वन अपोन ए दैट्स इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपोन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपोन सी। ओके, तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी है, ये मेरे पास है वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, और ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वेक्टर में मिलेगा, ये एक्स वाई जेड में मिलेगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं देखा जाए तो, ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है। यहां पर आर हमारे पास जर्नल पॉइंट है, यानी कि एक्स वाई जेड, यहां पर एक्स वाई जेड जर्नल पॉइंट है। वेक्टर ए हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट का पोजिशन वैक्टर, यहां पर यह रहा गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन। वेक्टर बी हमारे पास क्या है, वेक्टर बी हमारे पास है इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, ठीक है, और यहां पर इसके डायरेक्शन रेशो है ए बी सी। ओके, तो मतलब इसमें भी जर्नल पॉइंट है, इसमें भी जर्नल पॉइंट है, इसमें भी एक पॉइंट आपको गिवन होगा, इसमें भी एक पॉइंट गिवन होगा, इसमें भी इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशो है ए बी सी, इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, वेक्टर बी हमारे पास क्या है, इसमें वेक्टर बी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ओके, ये रहे इसके डायरेक्शन रेशो ए बी सी, वो बाय में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी लाइन की वेक्टर फॉर्म, और सेकंड मैंने यहां डिस्क्राइब किया है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे कि मान लो हमें दो लाइनें दे रखी हैं, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनती है। ठीक है, प्लस टू सी बी एस ई बोर्ड के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स मोस्ट एक्सपेक्टेड सम है, ऑलमोस्ट हर साल ये सम आपको एग्जाम में मिलता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। हाँ जी, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं जी, पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसी लाइनें जो नॉन पैरेलल हों, ऐसी लाइनें जो नॉन पैरेलल हों, मतलब पैरेलल ना हो, और जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, ये दो कंडीशनें आपके पास होनी चाहिए, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होनी चाहिए साथ में, इंटरसेक्टिंग। ओके, उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, जो हमारी लाइंस हैं वो 2D से ऊपर होनी चाहिए, 2D 3D इस फॉर्म में होनी चाहिए, 2D में अगर लाइंस हैं तो वो स्क्यू लाइंस नहीं होंगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, स्क्यू लाइंस ऐसी होंगी जो नॉन पैरेलल हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग है, कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही ये पैरेलल है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइंस का प्लेन डिफरेंट है, एक दूसरे प्लेन में लाइन है और एक अनदर प्लेन में लाइन है, उस केस में ये लाइनें स्क्यू लाइंस होंगी और ये ना ही पैरेलल होंगी और ना ही इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। ओके, तो ये 3D में होंगी लाइंस, ठीक है, 2D में ये लाइनें पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है,
स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस कहां पर बनेगी वो हमने फाइंड करनी है। तो चलिए मान लो मेरे पास एक लाइन है वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। सेकेंड लाइन है मेरे पास वेक्टर आर इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन मान लेते हैं मेरे पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस के 4k कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये टू लाइन्स हैं मेरे पास, क्यू लाइन्स हैं, नॉन कोप्लेनर लाइन है, ये सेम प्लेन नहीं होगा इनका। तो इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगी, SD क्या बनेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कैसे फाइंड होगा। इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, फार्मूला है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपोन में मोड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ये फार्मूला है हमारे पास अगर हम लोगों ने टू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है, ये A2, A1, B1, B2 ये क्या है, देखो यहां पर तो वन लिखा है, यहां वन लिखा मैंने, यहां वन लिखा है, वन का मतलब है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में ये कंपोनेंट दे रखे होंगे। यहां टू लिखा है वो सेकंड लाइन में मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, ए वन वैक्टर, ए वन क्या है, ये है वेक्टर ए वन, फर्स्ट लाइन पर जो पॉइंट दे रखा है वन माइनस टू थ्री वो ए वन में आएगा, ए टू में, ए टू में ये आएगा। सेकेंड लाइन पर जो पॉइंट है, जिस तरह मान लो ये फर्स्ट लाइन है, इस पर ये पॉइंट दे रखा हमें वन माइनस टू थ्री, वन माइनस टू थ्री, ओके। और नेक्स्ट ये वाली लाइन है, इस पर जो पॉइंट है क्या है, ये टू माइनस वन फोर, ये सेकंड लाइन पर पॉइंट है, ओके। बी वन, बी वन ये वाला वेक्टर है जो फर्स्ट लाइन के पैरेलल है, फर्स्ट लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो बी वन है, और सेकंड लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उसे हमने सी वन कहा है, ओके। तो करना क्या है, पहला स्टेप है वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, वेक्टर ए टू में से वेक्टर ए वन माइनस करना है, ठीक है। ये वाला वेक्टर ए टू है सेकंड लाइन में, और ये वाला वेक्टर ए वन है, ठीक है। इसमें से ये वाला माइनस करना है, टू आई कैप में से आई कैप माइनस होगा तो आई कैप बनेगा, माइनस आई कैप में से अगर मैं माइनस सॉरी माइनस जे कैप में से अगर मैं माइनस टू जे कैप माइनस करूंगा, इसमें से माइनस जे कैप में ये माइनस करूंगा तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस जे कैप में से मैंने इसको माइनस करना है, इसका साइन चेंज होगा, तो ये बन गया माइनस जे कैप प्लस टू जे कैप, मतलब ये बच गया जे कैप, ठीक है। फोर के कैप में से थ्री के कैप माइनस करेंगे, फोर के कैप माइनस थ्री के कैप दैट विल बी के कैप। ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। सेकंड पार्ट है B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, मतलब वेक्टर B1 और वेक्टर B2 का क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकालना है, वेक्टर B1 और वेक्टर B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ओके। तो रूल के अकॉर्डिंग i कैप j कैप k कैप राइट कर देंगे, ठीक है। और सेकंड रो में डिटर्मिनेंट के सेकंड रो में आएगा B1 के कंपोनेंट, B1 के कंपोनेंट यहां पर आ जाएंगे, A1 वेक्टर और ये वाला अपने पास था वेक्टर B1, ओके। B1 के कंपोनेंट कौन से, कहां पर है B1, ये रहा वेक्टर B1, तो इसके कंपोनेंट है 2 माइनस वन फोर, इसके स्केलर कंपोनेंट यहां पर राइट कर देंगे 2 माइनस वन फोर।
थर्ड रो में क्या होगा, बी टू के कंपोनेंट आएंगे, इसके स्केलर कंपोनेंट हैं 3 है ये, चलिए 1 के बाद क्या है 3 है, इसके बाद है -1। ओके, तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में इसका भी वेक्टर ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल लगाएंगे हम लोग, कलर चलो ये ले लेते हैं, हाँ जी, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में डिटेल में हम करते हैं कि यहाँ प्लस ही क्यों आएगा, यहाँ माइनस क्यों आएगा, यहाँ प्लस क्यों आएगा, ठीक है। ये बातें सारी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहले आई कैप हो गया, तो क्या होगा, आई कैप फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, छोड़ देंगे, और इस डिटर्मिनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, माइनस वन को माइनस वन से 1 हो गया, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो ये 12 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस का सिंबल है, तो माइनस जे कैप लाई इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बच गया 2, 4, 1, माइनस 1 कर दो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा -2, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -4, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, के कैप, हाँ जी, के कैप के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला प्रोडक्ट हो गया -1, वो हो जाएगा +1, राइट। तो ये हमारे पास बन गया -11 आई कैप, यहाँ पर -6 है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई, 6 जे कैप, और यहाँ पर प्लस में 7 के कैप। सेकेंड वाला स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 फर्स्ट वाले स्टेप में निकाला हमने। सेकेंड स्टेप में B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है, ये B1 क्रॉस B2 आ चुका है। थर्ड वाले स्टेप में इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि ये वाला वेक्टर है जो, और ये वाला वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का क्या है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर डॉट डाला हुआ है, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप में करना है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट प्रोडक्ट। चलिए, हाँ जी, वेक्टर A2 माइनस A1, यहाँ पर A2 लिखे हैं ना, लो जी, वेक्टर A2 माइनस A1, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर के साथ, तो ये वाला वेक्टर ये रहा हमारे पास, और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है इससे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, मतलब क्या हुआ, इसका स्केलर कंपोनेंट कौन सा, आई कैप का 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो आई कैप का स्केलर है, ठीक है, तो आई कैप के साथ -11 है, उससे कर दो, प्लस में जे कैप के साथ 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 6 है, तो 6 के साथ, नेक्स्ट यहाँ पर के कैप है, उसके साथ 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर के कैप के साथ है कंपोनेंट 7, तो 7 के साथ, तो ये बन गया -11 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। तो -11 प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया हमारे पास 13, दैट इज इक्वल टू 2। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, स्टेप वाइज करेंगे तो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। इकट्ठा नहीं यहाँ पर फिल करना आपने, पहले वेक्टर A2 माइनस A1 फाइंड किया है, फिर B1 क्रॉस B2 फाइंड किया है, फिर इन दोनों वेक्टर का मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला, और लास्ट स्टेप कौन सा, लास्ट वाला स्टेप है, B1 क्रॉस B2 का मोड निकालना है, B1 क्रॉस B2 का मोड। ओके, तो चलिए B1 क्रॉस B2 कहाँ पर है, ये रहा B1 क्रॉस B2, इसका मोड क्या आएगा, स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -11, ठीक है, आई का कंपोनेंट, और जे कैप का कंपोनेंट है 6, तो 6 का स्केयर हो जाएगा, प्लस में हमारे पास ये 7 का स्केयर बन जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 11, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस में 36 बनेगा, और प्लस में ये 49 हो जाएगा, हाँ जी, इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे 9 प्लस 6 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 16, ठीक है, कैरी 1, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 करते हैं तो 10, कैरी हमारे पास 1, तो ऑल ओवर ही अपने पास बन गया 206, ठीक है।
206 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद 103 है, आई थिंक 103 शायद डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं, 5 से, ठीक है, ओके, ऐसे ही से रहने दो। तो हमने सारे एलिमेंट फाइंड कर लिए, ए टू माइनस ए वन बी वन क्रॉस बी टू, इनका डॉट प्रोडक्ट, और ये वाला भी कर लिया लास्ट में, ठीक है। अब हमने इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली थी, उसके लिए फार्मूला है, लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, यहां पर निकाल लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, ठीक है। एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस, हाँ जी हाँ जी, कैमरे में आ रहा है, तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस, तो क्या बनेगा, फार्मूला हमने पहले ही राइट कर दिया एक बार, ठीक है, यहां पर राइट कर रखा, दोबारा चाहे राइट ना करो। वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ये स्टेप हम कर चुके हैं, कहां पर है ये वाला है, इसमें क्या था, 2 आ रहा आंसर हमारे पास, ठीक है, तो यहां पर 2 राइट करेंगे, थोड़ा सा इसको, हाँ जी, 2 अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मोड है जो कि ये वाला है, ठीक है, तो यहां पर राइट कर दो। लो जी, पहले से प्लस की वैल्यू है तो सेम ही आ जाएगी ये, 2 बाय रूट ऑफ 206 यूनिट्स यहां पर राइट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी राइट ना करो, च्वाइस आपकी है। ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास इन लाइंस के बीच की, ओके, तो यहां पर इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बाय रूट ऑफ 206 मल्टीप्लाई कर दो रूट ऑफ 206 से बाय में कर दो ये, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, 2 into root of 206 बाय में आ जाएगा 206, ये डिवाइड हो जाएंगे, 103 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 206 का रूट बाय में 103, ठीक है, वैसे ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वर्क, जिसमें हमने किया है वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन, और टू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, लाइंस का स्क्यू होना जरूरी है, स्क्यू लाइंस यानी कि नॉन कोप्लेनर लाइंस, ऐसी लाइनें दो जो अलग अलग प्लेन में हैं, ठीक है, और ये आपस में क्या होगा नॉन पैरेलल होंगी, यानी कि पैरेलल नहीं होंगी, और सेकंड कंडीशन है ये इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, ठीक है, तभी इनके बीच में ये डिस्टेंस आएगी, ओके स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मेनली ये हमारे पास फार्मूला था, आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस करें, 2-3 और सम करके देखें, ठीक है, ये सम CBSE बोर्ड में श्योर आएगा, ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।